मां बस मां लगने के बीता की बेटा मां ऐसे धरती मां ने जे बीता दिए जड़ी कौन कना लथपथ हो रही है रुखना मारे पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद और तो कहने बात और सेंटर की कुले क्या है तो उठाने की कुले जो बोले कितना देख मां उन पर काज करेगा हाय लाठी बेटा खुला की ये हर माँ ने बचा बचाने में हर माँ ने बचा ये बचा चाहिए शेर साढ़े पांच है अगर खड़े ने तो गवर्नमेंट की अक्की खोलनी चाहिए ऐसा कितना सारा पाकिस्तान है इस पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद औरत माता की लेकिन शायद ही होगी इस धरती मामा सगर बहान हुई है चलो ये जिन्नी एक चार करने ही हुई उन्नी हुई कद बात नहीं करनी मैं चंद रहेगा टिप्पण तेरा नाम रहेगा टिप्पण कुमार अमर रहे अमर रहे अमर रहे किश्तवाड़ के शात्रु में एक आतंकी एनकाउंटर में सुंदरबनी के पंचायत पतराड़ा के रहने वाले जेसीओ विपिन जी जो मात्र कुछ ही क्षणों के बाद पंचतत्व में उनका जो पार्थिव शरीर था वह विलीन होगा और इस समय राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम अधिकारी जो यहां पे पहुंचे थे उसके साथ साथ जम्मू रियासी लोकसभा के सांसद जुगल किशोर शर्मा भी यहां पे पहुंचे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और उसके साथ साथ जितने भी जो विधानसभा कालाकोट सुंदरबनी के अंदर प्रत्याशी जो इस समय इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे सभी के सभी प्रत्याशी यहाँ पे पहुंचे। उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि जो थी और जुगल जी आप यहाँ पे आए श्रद्धांजलि देने के लिए और शहीद जेसीओ इस गाँव का एक ऐसा शेर बहादुर लाल था जो माँ भारती के श्री चरणों में सदा सदा के लिए माँ भारती के आगोश में सो गया। क्या कहेंगे कि लगातार कई माताएं जो थी बूढ़ी माताएं जिनकी कोक लगातार सुनी होती जा रही है और सदन युद्ध पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों द्वारा 3 दशकों से पहले 90 के दशक में कश्मीर घाटी को खाली करने का प्रयास किया गया और आज पूरे के पूरे जम्मू संभाग के अंदर एक के बाद एक बड़ी आतंकी घटनाएं, इसे कैसे देखते हैं आप और क्या आपको लगता है ना कि आतंकवाद को जम्मू कश्मीर का समूल विनाश होता जम्मू कश्मीर से आतंक का होना चाहिए। देखिए विपिन कुमार पिताजी का नाम हंसराज गाँव पतराड़ा का रहने वाला बहुत ही होनहार और डोगरा रेजिमेंट में अपनी सेवाएं जो थे वो दे रहे थे। आज वो जेसीयू के रंग पर थे, आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए उन्होंने अपनी शहादत जो है वो किश्तवाड़ के शात्रु में दी है। मैं इतना ही कहूँगा विशेष तौर पर विपिन कुमार के लिए कि विपिन कुमार के साथी जब जहां हमें मिले तो उन्होंने बताया कि वो बचपन से ही फौज में जाने की जिद किया करते थे और देश के प्रति अपनी सेवाएं देने की बात किया करते थे और आतंकवादियों से जब मुठभेड़ हुई तो उनकी शहादत वहां पर हो गई है। आज हम उनके अंतिम संस्कार में जहां पर पहुंचे आप देख रहे हैं कि वहां पर भी हजारों की संख्या में लोग उनको अंतिम विदाई देने आए हैं और उनके दर्शन भी कर रहे हैं। तो जुगल जी आपकी सरकार लगातार केंद्र सरकार और भाजपा लगातार कहती है कि आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर होगा, ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े दिखाए जाते हैं, क्या हकीकत में आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर कभी हो पाएगा? ऐसा है अगर आप देखें तो जब से नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और विशेष तौर पर आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए आतंकवादियों को जो लोग सपोर्ट करते हैं और उनको जो शह देते हैं उनको जो ठहराते हैं उनको जो खाना खिलाते हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा पड़ोसी जो है पाकिस्तान वो अपनी ऐसी
करतूतों से बाज नहीं आता है और वहाँ से आतंकवादियों को यहाँ जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के लिए भेजता रहता है। और हमारी जो फौज है, हमारे जो बेड फोर्सेस के नौजवान हैं, वो डट कर उनका मुकाबला करते हैं और उन्हें मौत के घाट उतारते हैं। तो जुगल जी, एक आखिरी सवाल जुगल जी आपसे, कि जिस तरह से सियासत की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर होगा और कुछ एक राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के लाभ के लिए कहते हैं कि वह सत्ता के अंदर आए तो आतंकी रिहा किए जाएंगे। ये कैसी वोट बैंक की राजनीति कि मासूम बच्चे से उसके बाप का साया छिन जाता है और जवान बेटी जब विधवा होती है तो उस पर क्या गुजरती है, ये वही जानते हैं। ऐसा देखिए, जम्मू कश्मीर में ऐसी बड़ी सारी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति हो, जम्मू कश्मीर विकास की ओर आगे बढ़े। और ये जो आतंकवादियों की घटनाओं पर राजनीति करते हैं, मुझे लगता है कि इनको ये शोभा नहीं देता। ये किसी एक समुदाय या किसी एक वर्ग या इंसानियत के नाते भी अगर सोचा जाए तो ये नहीं होना चाहिए। अगर कहीं ऐसा होता है तो उसका सबने डटकर मुकाबला करना चाहिए और इसकी निंदा करनी चाहिए। कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन एक इनपुट्स इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनपुट्स थी कि भाजपा कार्यालय पे, भाजपा मुख्यालयों पे आतंकी हमला हो सकता है, भाजपा की रैलियों में आतंकी हमला हो सकता है। जम्मू कश्मीर के अंदर कई राजनीतिक पार्टियां इस समय चुनावी मैदान में हैं, कई राजनेता इस समय चुनाव प्रचार में हैं, लेकिन भाजपा की ही रैलियों पे आतंकी खतरा क्यों? इसलिए कि भाजपा जम्मू कश्मीर में अमन और शांति लाना चाहती है और आतंकवाद को ख़त्म करना चाहती है। हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि आतंकवाद का सफाया जम्मू कश्मीर से हो। और आप देख रहे हैं कि ये जो एनकाउंटर होते हैं, एक के बाद एक आतंकवादी जो है वो मौत के घाट उतारा जाता है और जो उसको सपोर्ट करने वाले हैं, जो उसको शह देने वाले हैं, उन पर भी मुकदमा चलता है। लेकिन इस पर भी सियासी रोटियां सेकने का काम जो है वो कुछ हमारी राजनीतिक क्षेत्र की पार्टियाँ जम्मू कश्मीर की करती हैं और नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और इंसानियत के नाते हम सबको उसका। लेकिन आतंकवाद हमेशा एक ही धर्म से क्यों आता है? अपने हालात जो इस समय है वो नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने हालात को छुपाने के लिए वो हमें जहां पर अमन और शांति जम्मू कश्मीर की बंद करना चाहता है। और हमेशा जम्मू कश्मीर में ये जो वहाँ के ट्रेन जो आतंकवादी हमने जम्मू कश्मीर में भेजता रहता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान भी सबक लेगा। और ये जो उसने जहाँ पर आतंकवादियों को भेजने का क्रम शुरू किया है वो बहुत जल्द बंद होगा। जम्मू कश्मीर में अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि जहाँ पर आतंकवाद बढ़े और उनको सपोर्ट की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकवादी हैं, उन्होंने घुसपैठ की है, उनके साथ मुठभेड़ भी होती है, वो मारे भी जाते हैं, हमारे लोगों की शहादत भी होती है। लेकिन हमें अपनी बेड फोर्सेज और आर्मी पर पूरा भरोसा है कि हम डटकर उनका मुकाबला करेंगे और आतंकवाद का खात्मा करेंगे। ठाकुर रणजीत जी, आप किन शब्दों में श्रद्धांजलि देंगे कि भारत माता के एक वीर सपूत लाल आज इस दुनिया को छोड़ के चला गया और मासूम दो बच्चे, बेटी और बेटा पीछे रह गए। अभी 100 साल की बुजुर्ग दादी उसका इंतजार कर रही थी, उसकी पथराई आंखें देख रही थी कब उसका पोता घर छुट्टी आएगा, लेकिन आज वे तिरंगे में लिपटा होकर आया। देखिए, पाकिस्तान के इस कारण जो हमारे विपिन जी को, विपिन शर्मा जी को, जी जो जो किश्तवाड़ में मुठभेड़ में इनकी शहादत हुई है, ये शहादत खाली नहीं जाएगी। मैं सभी अपने सियासी लोगों से कहूँगा कि यहाँ हमें खूब डट के पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहिए और पाकिस्तान को मेरा तो जिम्मा है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहिए। तो पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर से बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, वह समय की मांग है और यहाँ पर लोगों में खासा आक्रोश होता मैं देखा गया और शहीद विपिन जी कुछ ही क्षणों के बाद यहाँ पे पंचतत्व में विलीन हो गए और हजारों की संख्या में नम आंकड़ों से श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर कई प्रशासनिक अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर राजौरी, SSP राजौरी, उसके साथ साथ सांसद, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और कई पोलिटिकल पार्टीज के दिग्गज नेता यहाँ पे पहुंचे हुए थे और शहीद विपिन जी को हम भी दिल की गहराइयों से नमन करते हैं और उनकी ये शहादत व्यर्थ न जाए उसको लेकर केंद्र सरकार से लगातार ही अपील करते हैं कि ठोस कार्रवाई, ठोस रणनीति के तहत आतंकवाद को जम्मू कश्मीर से रोका जाए। आप देख रहे हैं, जय हिंद जय।